Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine. In our today's class, we will start new chapter, chapter number 10. Make it shorter. Make it shorter का मतलब है यहाँ पर it किसकी चीज के लिए आया है. अब हम वो chapter भी देखेंगे कि it यहाँ पर किसके लिए use हुआ है और make का मतलब होता है बनाना. शॉर्टर का मतलब छोटा, कि किसी चीज के लिए कहा गया है यहाँ पे कि उसको छोटा बनाना. तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर. वन डे एक दिन अकबर ड्रू का मीन्स होता है बनाना. वो क्या ड्रू क्या करता है, ड्रॉ क्या करता है, वो एक लाइन. अ लाइन का मतलब एक लाइन. अ किसी भी चीज से पहले अगर अ लगता है तो एक चीज की बात होती है. एक लाइन ड्रॉ करता है ऑन द फ्लोर. किसके ऊपर? एक फ्लोर के ऊपर, एक जमीन के ऊपर. एक एक दिन की बात होती है. अकबर जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर क्या ड्रॉ करता है? लाइन बनाता है. एंड ऑर्डर, और क्या करता है? ऑर्डर देता है. मेक दिस लाइन शॉर्टर, कि इस लाइन को छोटी करो, यानी इसको छोटा बनाओ. तो अब आ गया समझ में यहाँ पर इस चैप्टर में किस चीज को छोटे बनाने के लिए कहा गया है? लाइन को. तो वो क्या करता है? एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, फ्लोर पर, और ऑर्डर देता है कि इस लाइन को छोटा बनाओ, यानी इसको छोटा करो. बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. लेकिन ध्यान रखना है कि इसके किसी भी पार्ट को, रब का मतलब होता है आर यू बी, रब का मीन्स होता है मिटाना. लेकिन इसके किसी भी पार्ट को क्या करना है? रब नहीं करना है, मिटाना नहीं है, इरेज नहीं करना है. और बिना इरेज किए, बिना रब किए, इसके किसी भी पार्ट को बिना रब किए, बिना मिटाए, इस लाइन को मुझे छोटे करके, मुझे छोटा करके बताओ. नो वन न्यू व्हाट टू डू. नो वन का मतलब कोई भी, न्यू का मतलब जानना. कोई भी ये नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए. नो वन न्यू What to do, कि कोई भी ये नहीं जानता था कि उसको कैसे किया जाए. मतलब बिना, ना तो इरेज करना है, फिर इसको कैसे छोटा किया जाए, ये कोई भी नहीं जानता. Each minister looked at the line and was puzzled. हर एक मिनिस्टर, लुक्ड का मतलब ने उसको देखा, उस लाइन को, एट द लाइन, लाइन पर देखा, यानी उस लाइन को देखा, और एंड वॉज पजल्ड. पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना. और हर मिनिस्टर उस लाइन को देखकर पजल्ड हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि अरे इसको कैसे बिना इरेज किए, बिना रब किए, हम इसको बिना मिटाए कैसे छोटा कर सकते हैं. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. नो वन यानी कोई भी, कुड का मतलब होता है सकता, थिंक यानी कोई भी ये सोच नहीं सका ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, कि कोई भी ये नहीं सोच सका कि इसको कैसे, कि कौन से तरीके से इसको या तो क्या किया जाए, बड़ा किया जाए. नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर, या कोई भी ये चीज, ना तो किसी को ये सोच पा रहा था कोई कि इसको कैसे बड़ा करे, और ना कोई ये सोच पा रहा था कि इसको कैसे शॉर्टर किया जाए, कैसे छोटा किया जाए. विदाउट इरेजिंग इट, बिना इसको मिटाए. बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. बीरबल मुस्कुराया. When it was his turn, क्योंकि अब किसका टर्न था? बीरबल का. बीरबल अकबर के जो, मतलब जो कोर्ट था उसमें सबसे, मतलब इंटेलिजेंट और सबसे क्लेवरेस्ट और इंटेलिजेंट जो था पर्सन था, ठीक है, मिनिस्टर था. अब बीरबल ने क्या करी, मतलब उसने स्माइल करी, क्योंकि अब उसका टर्न था. और वो सब कुछ, इतना इंटेलिजेंट था वो कि वो सब कुछ जानता था. जो भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो दूसरों को, किसी को भी उसके आंसर्स नहीं आते थे, बीरबल फटाफट से सॉल्व कर देता था. तो वो अपनी चालाकी, इंटेलिजेंसी के लिए बहुत फेमस था उस बीरबल के, अकबर के कोर्ट में. When it was his turn, he went near the line. अब उसका टर्न था, वो क्या करता है? उस लाइन के पास गया. Discuss with your partner what Birbal would do. यानी जो उसने क्या किया? Discuss with your partner. तुम्हारे पार्टनर के साथ डिस्कशन किया. What Birbal would do? मतलब जो अकबर ने अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन किया कि अब बीरबल क्या करेगा. Now read further. Birbal drew a longer line under the first one. Birbal ने क्या करी? उसी लाइन के नीचे
जो लाइन बनी हुई थी ना, जो अकबर ने ड्रॉ करी थी, उसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ करी, बड़ी सी लाइन, लॉन्गर मतलब लंबी सी लाइन ड्रॉ करी। ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन, और वो उस फर्स्ट लाइन को टच नहीं कर रही थी। जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, नीचे ऑलरेडी एक शॉर्टर लाइन गिवन मतलब ड्रॉ करी हुई है। तो बीरबल ने क्या किया, उसी के नीचे एक लंबी सी लॉन्गर लाइन ड्रॉ कर दी। एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रू एंड सेड, एवरीवन हर कोई कोर्ट में देखा, हर किसी ने कोर्ट में देखा व्हाट ही ड्रू, कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है, एंड सेड, और कहा दैट्स ट्रू, कि ये एकदम सही है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउन, हर किसी ने देखकर कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, कि अब क्या है, जो फर्स्ट लाइन है शॉर्टर है, अब वो क्या है, शॉर्टर हो गई ना, क्योंकि उसने एक लाइन बड़ी बना दी तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में वो शॉर्टर हो गई, तो ना तो उसको इरेज किया गया और तब भी वो शॉर्टर प्रूव हो गई। बस उसकी इंटेलिजेंस से उसने ऐसा मतलब करा कि उसने बिना इरेज किए उस लाइन को शॉर्टर बना दिया। बस उसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, उसके नीचे एक लंबी लाइन बना दी और वो शॉर्टर हो गई अपने आप ही। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एंड नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर की, वो हम अपनी अपकमिंग क्लास में करेंगे। सो ईच स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर विद ट्रांसलेशन। थैंक यू।